असलम मैं जुलेखा आफात जुलेखा किचन से तो चीलिए आज हम बनाते हैं चिकन चीज़ पिज्जा पराठा बहुत ही मज़ेदार है एकदम उंगलियाँ चाटते रह जाओगे. इतना मज़ेदार बनता है तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रीडियंट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिश आज की चलिए कढ़ाई के अंदर 250 ग्राम चिकन धोया हुआ डाल दीजिए कीमा एक छोटा चाय का चम्मच तेल नमक स्वाद अनुसार वन एथ छोटा चाय का चम्मच हल्दी मतलब वन फोर्थ का आधा और वन फोर्थ छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर वन फोर्थ छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर वन फोर्थ छोटा चाय का चम्मच जीरा पाउडर ये घर में भुना और पीसा हुआ है पाल फो छोटे चाय का चम्मच में और ज्यादा लाल मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ एक छोटे चाय का चम्मच अदरक लहसन का पेस्ट भी डाल दीजिए चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और बार बार चलाते हुए कीमे को पका लीजिए तब तक पकाए जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता जब कलर चेंज हो जाए चिकन का तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ आधा कप पानी इसे डालकर एक बार चला लीजिए और इसमें उबाल आ जाने दीजिए जब उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके इसे ढाक कर पकने दीजिए तब तक पकाएं जब तक चिकन नहीं गल जाता और पूरी तरीके से ड्राई नहीं हो जाता चिकन चलिए कुछ देर हो चुकी है ये देखिए मेरी चिकन प्रॉपरली गल चुकी है और पूरी तरीके से ड्राई आउट हो गया है तो चूल्हा कर देती हूँ मैं बंद और ये कैसा होना चाहिए मालूम है इसका कीमा भुरभुरा टाइप होना चाहिए ये देखिए ऐसे एकदम खुला खुला सा होना चाहिए तो उसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए जब अच्छा ठंडा हो जाए तो इसे जो भी साइड पर या नीचे लगा हुआ है उसे इस तरीके से चम्मच की मदद से स्क्रैप कर लीजिए और साइड पर रख दीजिए एक बड़े से बाउल के अंदर डेढ़ कप गेहूं का आटा डालिए आधा छोटा चाय का चम्मच नमक दो तीन टेबल स्पून जितना तेल डाल दीजिए बहुत अच्छे से सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए जब अच्छा मिक्स हो जाए तो नॉर्मल जो पानी आता है सादा पानी अच्छा फ्रेश वाला उससे उसे थोड़ा थोड़ा डालिए और बहुत अच्छा आटा लगा लीजिए आटा सख्त नहीं होना चाहिए सॉफ्ट होना चाहिए और बहुत ही अच्छा गुनीए जब आप इसे कंबाइन कर लेना तब तकरीबन चार से पाँच मिनट तक उसे बहुत अच्छे से मसलिए तो अच्छा सॉफ्ट आटा होगा जब अच्छा कंबाइन हो जाए और सॉफ्ट आप भूल लें पांच मिनट तक तो उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा दीजिए और उसे किचन टॉवल की मदद से ढाक कर पंद्रह बीस मिनट के लिए साइड पर रहने दीजिए यहाँ पर मेरे पास तीन तरीके की शिमला मिर्च है जैसे आप देख सकते हैं हरी पीली और लाल तो मैं ये तीनों को डाल रही हूँ थ्री फोर्थ थ्री फोर्थ ले रही हूँ छोटे छोटे ही हैं अब आप आपके हिसाब से ले सकते हैं अगर बहुत बड़े हो तो आधा लीजिएगा अच्छा पहले तो आप धो लीजिए इनके बिजे निकाल लीजिए और इस तरीके से बारीक काट लीजिए अच्छा फ़र्ज़ करो आपके पास ये तीनों कलर की शिमला मिर्च नहीं है तो कोई बात नहीं आप हरी शिमला मिर्च डाल दें एक छोटा टमाटर बिजे निकाल के उसको फिर उसको बारीक काट कर डाल दें और एक गाजर भी डाल सकते हैं आप छोटी सी बारीक काट कर इसी तरीके से जब ये तीनों टाइप की शिमला मिर्च में काट लेती हूँ तो इसके बाद एक प्याज भी छोटी ले लीजिए और उसे छुंदा इसी तरीके से काट लीजिए तो चलिए ये हमारी सारी सब्जियां हो गई तैयार अब एक प्याले के अंदर मैंने ये सारी सब्जियां डाल दी और ये जो हमने बनाकर रखा था ढाई सौ ग्राम का जो हमारा कीमा पूरा ये डाल दीजिए और इसमें डाल दीजिए आधा छोटे छाका चम्मच चिली फ्लेक्स आधा छोटा छः का चम्मच मिक्सड हर्ब्स और आधा छोटा छः का चम्मच औरगैनो और यहाँ पर ना मैं पूरा चीज़ का पैकेट ले रही हूँ आप देख सकते हैं और इसको पूरा खुरज कर इसमें डाल दीजिए ऐसे और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर कर इसे साइड पर रख दीजिए चलिए पंद्रह से बीस मिनट हो चुके हैं अब मैं इसे खोल लेती हूँ और आप चाहें ना तो इसे इस समय थोड़ा सा मसल लीजिए मैं हमेशा बाद में खोलने के बाद मसल लेती हूँ आटे को जो हमने गुने हुए आटे को और इसके पांच पेड़े बना लीजिए और पांच पेड़े जब आप अच्छे से बना लें तो एक पेड़ा लीजिए सूखा आटा लगाइए और उसको है ना मीडियम साइज़ की पराठा बना लीजिए मतलब एकदम पतला भी नहीं होना चाहिए रोटी भी नहीं होनी चाहिए और एकदम मोटा भी नहीं होना चाहिए जो मीडियम साइज़ के जो हम पराठे बनाते हैं लेकिन थोड़ा बड़ा बनाइएगा इस तरीके से चलिए बड़ा पराठा मैंने बना लिया है वो टमाटर सॉस है और ये शेज़वान चटनी और ये जो मिक्सचर हमने बना कर रखा है वो था अब ये जो पराठा है इसके ऊपर ना मैं थोड़ी सी शेजवान चटनी डाल देती हूँ और थोड़ा सा टमाटर सॉस डाल कर इसे फैला देती हूँ सिर्फ हाफ तक ही फैलाना है आप देख सकते हैं मैं सिर्फ आधे तक फैलाते हुए मिक्स कर लेती हूँ और अब इसके ऊपर ना आप ये जो हमने मिक्सचर बना के रखा है इस तरीके से डाल दीजिए पर मत डालिएगा और हाफ पोर्शन में ही इसे भी डालिएगा एजेस को हमें सील करना है और बहुत ज़्यादा डालेंगे तो ऊज आउट होएगा और कम डालोगे तो ऊज आउट नहीं होगा पर मैंने आप देख सकते हैं ज़्यादा डाला है और हाथों की मदद से चपटा कर दीजिए और फिर पलट दीजिए ये रोटी को और अब एजेस पे है ना रोटी को थोड़ा सा हल्के हाथ से पुल करके आप इसके ऊपर ये जो हमारे ये फोक आता है ना इससे इस तरीके से आप एजेस को शेप दे दीजिए तो बाहर नहीं निकलेगा ना बंद हो जाएगा सील हो जाएगा और ये बन गया हमारा एक पराठा ये आप देख सकते हैं साइड पर तवा गरम कर लीजिए अच्छा गरम हो जाए तो ये पराठा डाल दीजिए हमारा थोड़ा सा तेल डाल दीजिए चूल्हा मीडियम पर रख कर इसे दस पंद्रह सेकेंड तक पकने दीजिए जब 15 सेकंड हो जाए तो पलट दीजिए इसे और मीडियम आंच पर पलटते हुए उलट पलट करते हुए इसे पका लीजिए तब तक पकाएं जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन आ नहीं जाते स्पॉट्स मैंने दूसरा वाला भी डाल दिया दूसरे वाले में मैंने शेजवान चटनी नहीं डाली उसमें मैंने सिर्फ टमाटर सॉस डाला uh, बच्चे के लिए मेरे उलट पलट करते जाएं और स्पेचुला की मदद से प्रेस भी करते जाएं हाँ सो so दैट चारों ओर से पकेगा क्योंकि हमारा पराठा भी तो पकना चाहिए ना ये देख सकते हैं आप अच्छे से पक रहा है एजेस को भी इस तरीके से प्रेस करते जाइए बार बार अच्छा मैं ना चूल्हा स्लो से मीडियम आज के बीच में दरमियान में रख रही हूँ कभी मीडियम कर रही हूँ कभी स्लो कर रही हूँ कभी स्लो से मीडियम में रख रही हूँ अच्छा ये जो एज है ना इसे इस तरीके से दोनों स्पेचुला की मदद से पकड़ कर उस साइड को भी तेल के अंदर थोड़ा सा फ्राई कीजिए सो दैट वो साइड भी पकेगा नहीं तो वो साइड आपका कच्चा रह जाएगा चलिए ये जब पक जाए और आप देखें कि चारों ओर से प्रॉपरली स्पॉट्स आ गए हैं तो आप और पक गई है आपकी पराठा पक गया है तो निकाल लीजिएगा अच्छा मुझे थोड़ा सा ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा और डार्क स्पॉट्स लेके आ रही हूँ जैसे आप देख सकते हैं इसके बाद मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में गर्मा गर्म इसे और इसके पीस कर लेती हूँ और ये देखिए क्या बढ़िया सा मज़ेदार दिख रहा है हमारा चीज़ चिकन पिज्जा पराठा एकदम यम है माशाल्लाह मैंने नॉर्मल चीज़ डाला है लेकिन आपको वैसे स्ट्रिंग्स वाला चीज़ चाहिए मोजरेला वाला आप डाल सकते हैं बट मैं वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ इसके लिए आप देख सकते हैं स्ट्रिंग्स वाला नहीं है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है बहुत ही टेस्टी है स्पाइस अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा और बहुत ही डिलिशियस है हमारा पिज्जा चीज़ चिकन पराठा तो कैसा लगा पिज्जा पराठा है ना मजेदार तो जरूर बनाइएगा और अगर आप बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा मुझे आपके कमेंट्स करने बहुत अच्छे लगते हैं रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए जल्द से जल्द और बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसकी लिंक फॉरवर्ड कीजिएगा फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ देन टेक केयर अल्लाह हाफिज़ बाय बाय